आप यहाँ भारत के ऐतिहासिक जगह जंतर बंतर पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं, आपके अंडर में कितनी आशा बहु है? देखिए, हमारे अंडर में उत्तर प्रदेश, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश जिले से हैं, पंजाब प्रांत की हैं, जम्मू कश्मीर की हैं, पश्चिम बंगाल की हैं और केरला की हैं और बिहार की हैं, उत्तराखंड झारखंड की हैं। शेष बहनों से संपर्क किया जा रहा है और सारे लोग हम मिल करके सरकार को उनकी औकात की याद दिलाने वाले हैं, क्योंकि हमको काम करते करते 12 साल 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारा कोई भी ना तो मानदेय किया गया और सरकार हमको केवल झांसे देती है। 5 अप्रैल 2012 में भी निकला था आशा को वेतन देने की तैयारी, उस समय हम लोग कुछ सोचे थे कि कुछ हम लोगों का हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2016 में 18 नवंबर को मतलब 18 नवंबर 2016 को हमारा इसी जगह पे एक विशाल धरना प्रदर्शन हुआ और मैंने कहा अगर माननीय प्रधानमंत्री जी मुझसे नहीं मिलते हैं तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। तो गृह मंत्री जी ने मेरे पास फ़ोन किया स्वयं, क्योंकि गृह मंत्री जी से हम लोग बहुत पहले के परिचित हैं तो बात कर लेते हैं वो। हमने कहा, उन्होंने कहा मीरा जी देखिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है नोटबंदी के चलते बहुत बढ़ा दी गई है, वो आपसे नहीं मिल सकते हैं, आप जो आइए और हम आपसे मिलेंगे, आपकी जो भी समस्या होगी सुनेंगे। तो हम लोग 6 लोग 6 जिलों से गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि आपके उत्तर प्रदेश की सरकार 6,000 करोड़ रुपए दबा करके बैठी हुई है, क्यों नहीं वो मानदेय देती है? अगर आप लोग हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में भी बनवा देते हैं तो जैसे हमारी सरकार बनेगी तुरंत हम जो है आप लोगों का निश्चित मानदेय कर देंगे। लेकिन महोदय अपने वादे को भूल गए। किसने बोला? माननीय गृह मंत्री जी ने बोला था, माननीय राजनाथ सिंह जी जो वर्तमान में गृह मंत्री जी हैं उन्होंने कहा था। और आज जो है मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछूंगी, उनसे मिलने उनके आवास पर खुद जाऊंगी अगर वो लखनऊ से आ गए होंगे, अभी मैं बात करती हूँ इसके बाद उनसे मिलने जाऊंगी। और उन्होंने कहा था अगर सरकार बनते ही तुम लोगों का हमने कुछ नहीं किया तो मेरा सिर फोड़ देना, तो आज उनका सिर फोड़ने का, अगर वो हम लोगों का एक मानदेय नहीं हमको चाहिए, हमको एक सरकारी कर्मचारी के समान वेतन चाहिए, क्योंकि मानदेय जो है एक बहुत खराब शब्द है जिसको हम नहीं सुनना चाहते। आज तक तो हम प्रोत्साहन राशि पर केवल काम करते आए हैं, वो भी हमारे अधिकारी और कर्मचारियों की भेंट चढ़ जाया करती थी, लेकिन आज हम महोदय से अपनी बात को कहने आए हैं कि हमको मानदेय भी नहीं चाहिए, प्रोत्साहन राशि की तो बातें मत करिए हमसे, हमको एक सरकारी कर्मचारी के समान वेतन चाहिए और हमारा सम्मान हर CSC PSC हर जिले पर होना चाहिए। जो भी हमारे अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब जो भी हमारे अधिकारी होते हैं वो हमको बहुत ही गिरी निगाह से देखते हैं, ऐसा क्यों है? जबकि बच्चा पैदा होता है हमारे ही हाथों में उसकी आंखें खुलती हैं, हम ही उसकी देखभाल करते हैं, हम ही उसको बड़ा करते हैं, हम ही उसको कुपोषण से बचाते हैं, पोलियो से बचाते हैं, लेकिन सरकार हमारे दर्द को नहीं समझ रही है। आज हमारे ही बच्चे और हम लोग खुद विकलांग होते जा रहे हैं, ये गूंगी बहरी सरकार हमारे ऊपर कब ध्यान देगी? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ और विशेष रूप से आज मैं गृह मंत्री जी से भी मिलने उनके आवास पर जाऊँगी, उनसे पूछूँगी महोदय आपने क्या किया हम लोगों से, हम लोगों के लिए। तो और अब की बार जो 23 अगस्त को आशा दिवस मनवाती है सरकार, हम आशा बहनें आज मैंने मंच के माध्यम से अनाउंस कर दिया, हमारे कई प्रदेशों की बहनें आई हुई थी, हमने कहा सारे लोग आशा दिवस का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि आशा दिवस मनाने से हमारा पेट और हमारे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। अपना ये आशा दिवस रखे रहें, जो पैसा खर्च करते हैं उसको अपने पास रख लें, नहीं तो इनके पास कमी आ जाएगी। इनकी 4 पूड़ी और सब्जी हम खाने के लिए आशा दिवस में नहीं जाएंगे। हमको मंच पर माइक नहीं दिया जाता है अपनी व्यथा को वहाँ से सुनाने के लिए, अधिकारी कहते हैं कि वहाँ से कुछ मत बोलो, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मंच पर हमको बुलाया नहीं जाता, हमको जाने से रोक दिया जाता है। तो अब मैं अधिकारियों और कर्मचारियों को बताऊंगी, मैं उनको बताऊंगी आशा दिवस आप लोग खुद मनाइए, अब खुद बैठ करके सब लोग खाइए पीजिए और सरकार का पैसा अपने जेब में रखिए। 50 रुपए हमको किराया दिया जाता है, जबकि 100-150 रुपया किराया लगा के हम लोग आशा दिवस में पहुंचते हैं।
जो भी प्रोत्साहन राशि मिलती है वो भी बंदरबांट हो जाती है। सरकार से मेरा एक निवेदन है कि हमारा एक निश्चित वेतन मान कर दिया जाए, जिससे हम भी सम्मान की जिंदगी जी सके और अपने बच्चों का कुछ पालन पोषण कर सके। और सरकार से हम ये भी कहते हैं कि जितने भी आशा और आशा संगिनी हैं, हम लोगों के और हम लोगों के बच्चे की जिम्मेदारी सरकार ले। कोई भी बीमारी होती है हम लोगों को या हमारे बच्चों को, तो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हमको दिलाए। जो भी ESC या राजकीय चिकित्सालय हैं उसमें हमारा फ्री इलाज कराया जाए, हमारे परिवार और हमारे बच्चों का फ्री इलाज कराया जाए। और सरकार ने 2013 में ये भी कही थी कि जो भी पढ़ी लिखी आशा और आशा संगिनी है उनको सरकार प्रशिक्षण दिलवाएगी और आशा NM और GNM के जो रिक्त पद हैं उनसे भरे जाएंगे, लेकिन आज तक वो व्यवस्था लागू नहीं की गई। ऐसा क्यों है? हम लोगों के साथ दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? सरकार के इस रवैये से हम लोग बहुत ही आहत हैं। सरकार ने कहा था, BJP सरकार ने कहा था कि आपका एजेंडा जो है हमारे मुख्य एजेंडे में है, ये आपका मैटर हमारे मुख्य एजेंडे में है, वही एजेंडा घोषणा पत्र उसमें है, और जैसे ही सरकार बनेगी हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन आज कई महीने बीत गया, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से हम लोग मिले, उन्होंने कहा 90 दिन का टाइम दीजिए, 90 दिन बीत गया। फिर हम लोग मिले, उन्होंने कहा 120 दिन का टाइम दो, 120 दिन का टाइम बीत गया। हमने कहा महोदय 120 दिन भी बीत गए, उन्होंने कहा समीक्षा करवा रहा हूँ, समीक्षा करवाऊंगा, इसके बाद जो है आप लोगों का कुछ न कुछ करूँगा। मैडम, ये आप यहाँ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जी, एक तरफ आशा वर्कर की बात करी जा रही है, एक बार की बात करी जा रही है, एक आंगनवाड़ी की बात की जा रही है, ये जो संगठन है, ये तीन संगठन इकट्ठे हो रहे हैं जी, क्या आंगनबाड़ी का क्या महत्व और आशा वर्कर का क्या महत्व है? देखिए, आंगनबाड़ी का महत्व वो लोग अपना जाने, मतलब उनका बाल पोषाहार विभाग से है, वो 6 साल से 14 साल के बच्चों को वो लोग देखते हैं, लेकिन हम तो अपने मुद्दे को जानते हैं। आशा जो है उसका कार्य बहुत ही जोखिम भरा है, 24 घंटे के हर पल वो अपने ड्यूटी पर तैनात रहती है, अधिकारियों और कर्मचारियों का समय होता है, उनके ड्यूटी का ऑफिस का टाइम होता है, हमारा कोई भी टाइम नहीं है। हमारे साथ कोई भी घटना दुर्घटना घट जाती है, हमारे कानपुर देहात की 2014 में एक बहन को घर से कुछ लोग बुलाए और कहे कि चलो मेरी भाभी का वो है डिलीवरी, वो उसको लेकर के गए और जंगल में उसके साथ बलात्कार करके उसको मार के फेंक दिया गया। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हम लोग बहुत पत्र दिए, हमारे इधर जौनपुर जिले में यही घटना हुई और हमारी कितनी बहनें सरकार का काम करते हुए घायल हो जाती हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, सरकार उनके इलाज की कोई भी सुविधा नहीं करती है। और जब भी हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहां से हमको प्राइवेट दवाइयां लिख दी जाती हैं, मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले आओ, मतलब कोई दवा नहीं होती है इनके पास। और एक तरफ तो सरकार कहती है हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। आपकी आगामी योजना क्या रहेगी धरने को लेकर, आगे आप क्या मांग कैसे करेंगे, क्या अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी? 6 अगस्त को माननीय जेटली जी ने कहा था कि आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी के समान वेतन देने पर फैसला जल्द। अगर वो महोदय इसी महीने लास्ट तक अपना फैसला नहीं लेते हैं तो हम लोग सारे सरकार स्वास्थ्य विभाग के सारे कार्यभार ठप करके और हम लोग रोड पे आ करके कार बहिष्कार करके रोड पर आकर के भूख हड़ताल करके अपने प्राण त्याग देंगे, फिर हमारे बच्चों की जिम्मेदारी ये लोग लें। लोगों का ये दृढ़ संकल्प है, ये सरकार हम लोगों को प्रलोभन देते चली आ रही है, बार बार यही कहती है। इसके पहले कांग्रेस सरकार ने यही किया, 1,500 मानदेय करके आज तक नहीं दिया, नियमित करने का वादा किया आज तक नहीं दिया, लोकसभा में हमारे प्रश्न उठाए गए उसके बारे में आज तक कुछ भी नहीं सोचा गया। इस सरकार में भी कई बार माननीय राजनाथ सिंह ने भी वादा किया और माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने भी वादा किया कि प्रदेश में सरकार बनने दीजिए, आपकी सुनवाई सबसे पहले होगी, लेकिन आज तक इन लोगों ने अपने कहे बातों पर जरा सा भी अमल नहीं किया और हमको धोखा देते चले। लेकिन अब इनके 120 दिन, माननीय योगी जी ने कहा 120 दिन बीतने से पहले आपके मानदेय निर्धारित किए जाएंगे, अपने घोषणा पत्र में भी रखा, मिलने पर हमको आश्वासन दिया और आज तक ये आश्वासन कोरे रह गए, पूरे नहीं किए गए। अब हम लोग दृढ़ संकल्प लेकर के
ये ठान करके मन में बैठ जाएंगे कि 6 सितंबर तक यदि हमारा पूरा नहीं हुआ मानदेय का किया गया बकाया वादा झूठा रह गया तो हम लोग 6 सितंबर के बाद अनशन प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हमारे प्राण यदि निकल जाएंगे तो हमारे बच्चों की जिम्मेदारी इन सरकार को उठाना पड़ेगा। ये घटिया सरकारें हमारी पता नहीं क्या सोचती हैं। यदि कोई रेल दुर्घटना में मर गया तो उसके परिवार को 5 करोड़ देते हैं। यदि इनकी सेना इनकी फौज आशा एक महिला 2 बजे रात को प्रसव लेकर के जा रही है उसके साथ कोई घटना घट गई तो उसके परिवार के लिए इनके पास फूटी कौड़ी नहीं होती है। उसके घर जाने के लिए इनके मंत्री खाली नहीं होते हैं। अगर बच्चे मर गए ऑक्सीजन की कमी से उनके घर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी गए, लेकिन इस अपनी गांव की तैनात फौज को जो गर्भवती महिलाओं के प्राण संकट से उबारती है, बच्चों के मृत्यु दर को कम करती है, 2 बजे रात को अपना परिवार छोड़ के जाती है, उसके लिए इस गूंगी बहरी सरकार के पास कुछ भी नहीं है। अतः अब हम लोग ये दृढ़ संकल्प लेंगे इस सरकार का विरोध करने के लिए यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। या पूरे भारत से यहाँ महिला आई हुई हैं जो आशा वर्कर हैं, संगनी हैं, तरह तरह के इनके नाम भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने दिए हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर अपने मानक देय को बढ़ाने के लिए अब कह रहे हैं हमें मानक देय की जरूरत नहीं है, हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए और हमारा वेतन मान बढ़ाया जाए जैसे और लोगों को वेतन मान मिलता है। तो उसी तरीके से ये महिलाओं ने भी यहाँ पे अपने भारत को, भारत की सरकार को जगाने के लिए, केंद्र सरकार को जगाने के लिए और महामहिम भारत के राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन दिया है।